पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से जाबिरों, आमिरों और ताकतवर अशराफिया के नरगे में है। एमकेएम रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी ने कहा कि हमें ऐसा ऐवान और कानून नामंजूर है जहां जालिम को हुकूमत करने का इख्तियार हो। ये एमकेएम की नहीं बल्कि पाकिस्तान की बका का सवाल है। हम एक ऐसे पाकिस्तान का ख्वाब देखते हैं जहाँ आम पाकिस्तानी को इंसाफ मुहैया हो। पाकिस्तान का आइन बदकिस्मती से ताकतवरों के तहफ्फुज़ के लिए, जाबिरों के तहफ्फुज़ के लिए, आमिरों के तहफ्फुज़ के लिए तो एक बहुत बड़ी ताकत और कुव्वत बना रहा, लेकिन इनकी चीरा दस्तियों से आम पाकिस्तानियों को नहीं बचा सका। यही हमारी अब शर्त होगी, एक ऐसा ऐवान, ऐसा कानून जो सिर्फ गरीबों के खिलाफ ताजीर करता हो और जालिम को आम मजलूमों पर हुकूमत करने और जबर करने का इख्तियार और लाइसेंस देता हो, ऐसा कानून नामंजूर। तो इंशाअल्लाह ताला, और ये एमक्यूएम की सियासी बका का सामान नहीं है, ये पाकिस्तान में जमहूरियत की बका का सामान है। हमें कैसे आइन का ख्वाब देखते रहे हैं जो अब आम पाकिस्तानियों को, 98% पाकिस्तानियों को वो तहफ्फुज दे सके, वो इंसाफ दे सके कि जो इख्तदार माफिया ने अपने लिए समेट के रखी है, जबर ने अपना काम कर लिया है और सब्र अपना काम दिखा रहा है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।